पढ़ लिया कि वेल डिफाइंड कलेक्शन कौन से होते हैं, है ना। अभी हमने जैसे देखा कि ए सेट में मान लो गोविंद का ले रहे हैं हमने, ए की आई ओ यू ले लिया, तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया ना, और इसको हम क्या बोल देंगे बताओ, क्या बोलेंगे हम इसको? अब मैंने तुमसे बोला कि मुझे एक ऐसा एग्जांपल दो जो सिर्फ कलेक्शन है, सेट नहीं है, तो कोई बता सकता है ऐसा एग्जांपल क्या होगा? ऐसा कोई एक एग्जांपल जो सिर्फ कलेक्शन हो, सेट नहीं हो, मतलब कलेक्शन तो है पर वेल डिफाइंड नहीं है, बताओ। 1.5 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
एग्जांपल सेट नहीं हो पाए, जैसे हम ये कह सकते हैं कि नेम ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर इन इंडिया, हमने क्या लिखा, नेम ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर इन इंडिया। अब बताओ उसकी कोई डेफिनेशन है? क्या कोई ऐसा कह सकता है कि जो इंडियन क्रिकेट टीम में खेल रहे हैं वही गुड क्रिकेट प्लेयर है? भाई ऐसा हो सकता है ना कि वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता हो पर वो कभी उसने नेशनल टीम में ट्राई नहीं किया हो, उसका एम और कुछ हो, है ना? ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि साइंटिस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकते, खेल सकते हैं, ठीक है ना। हो सकता है कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब कर रहा हो, आईटी सेक्टर में, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलना जानता हो, नहीं गया उसका इंटरेस्ट नहीं है वहाँ पर, कोई आर्मी में हो नहीं गया वो ये क्रिकेट खेलने। तो क्या इसकी कोई डेफिनेशन है? एक और हमने जैसे लेते हैं, हमने लिया टफेस्ट सब्जेक्ट। अब मैं तुमसे पूछूंगा सबसे कठिन सब्जेक्ट कौन सा है, तो हर एक की परसेप्शन अलग अलग होगी। जो साइंस साइड वाले हैं वो अपने में से बताएंगे, कॉमर्स साइड वाले अपने में से बताएंगे, और जो आर्ट साइड वाले हैं वो अपने में से बताएंगे। होगा कि नहीं होगा? भाई जो जिस फील्ड में है उसको उस फील्ड में कुछ ना कुछ टफेस्ट सब्जेक्ट लगता होगा। अब जैसे तुमने कहो कि मैथ टफ है, अब किसी के लिए तो मैथ बहुत आसान है। अब इसकी कोई क्या प्रॉपर डेफिनेशन है? अब जिस चीज की डेफिनेशन नहीं होती उसको हम क्या बोलेंगे? कलेक्शन। सिंपल सी भाषा में अगर तुम समझना चाहोगे तो शॉर्ट में ये है कि कलेक्शन पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा लेकिन सेट वेरी नहीं करेगा। अब जैसे मैंने कहा कि टफेस्ट सब्जेक्ट, कोई भी तीन टफ सब्जेक्ट के नाम लिख दो तो ये अलग लिखेगा, वो अलग लिखेगा, वो अलग लिखेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी दुनिया सेम ही नाम लिखे। लेकिन मैंने कहा कि वोवेल्स लिखो तो क्या कोई अलग लिख सकता है? और लिखेगा वो गलत लिखेगा। अगर उसे पांच वोवेल ही लिख रहे हैं तो वो कोई भी हो, चाहे यहाँ पे बैठा हो, ठीक है, चाहे बाहर बैठा हो, या फिर दूसरी सिटी में बैठा हो या दूसरी कंट्री में बैठा हो, वो क्या लिखेगा? यही लिखेगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि इस रूम के अंदर ही हम एक आंसर नहीं निकाल पाएंगे, तब सब्जेक्ट हर एक के लिए क्या होगा? अलग अलग होगा। तो ये क्या कहलाएंगे? कलेक्शन। और ऊपर वाला क्या कहलाएगा? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इतनी बात समझ में आ गई। अब कुछ प्री डिफाइंड सेट्स होते हैं। प्री डिफाइंड सेट्स का मतलब होता है कि जो पहले से ही क्या है, डिफाइंड है मैथ के अंदर, ठीक है, उन्हें तुम यूज भी कर चुके हो, उनको एक बार रिपीट कर लेते हैं। जैसे आर होता है, आर किसको डिनोट करता है? रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक वेरी करते हैं बताओ? कहाँ से कहाँ तक वेरी करेंगे? माइनस इंफिनिटी से नंबर लाइन पे अगर कोई भी नंबर आ रहा है तो वो किस में काउंट होगा? रियल नंबर में काउंट, ठीक है। दूसरा है इंटीजर, जब पहले ले लो रेशनल नंबर, क्यू से डिनोट होता है, क्या होता है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर पता है क्या होते हैं? जो नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रहते हैं, और यहाँ पर क्यू क्या नहीं होता? जीरो नहीं होता। एग्जाम्पल दे सकते हो रेशनल नंबर के? बताओ, 5/2.14, कुछ भी ऐसे दे सकते हैं, ठीक है। अब जो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो कैसा होता है, याद है? टेंथ में पढ़ा हुआ, टर्मिनेटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जो बार वाले क्वेश्चन होते हैं। जैसे हमने लिख दिया 3.17 और 172 को बार लगा दिया, अभी टर्मिनेट तो नहीं रहा, 1717 बार बार आ रहा है, लेकिन ये रेशनल नंबर है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका इंटीजर। इंटीजर्स कौन से नंबर होते हैं?
बताओ नेगेटिव और पॉजिटिव पूरे, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3। अब जैसे कोई कहेगा कि जेड के हमें एलिमेंट्स लिख कर दिखाओ, तो तुम कैसे दिखाओगे सेट के अंदर माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2 और ऐसा होगा। यानी कंटिन्यूएशन में चलते जा रहे हो, कहाँ तक जाएंगे उसको हमें पता नहीं है, क्योंकि ये नंबर्स कहाँ तक आगे बढ़ेंगे, इनफाइनाइट तक इधर बढ़ेंगे और माइनस इनफाइनाइट तक इधर बढ़ेंगे। तो कोई एक पर्टिकुलर लास्ट वैल्यू भी तुम लिख नहीं सकते हो, जब लास्ट में लिख सकते हो तुम क्या बना दोगे डॉट डॉट बना दोगे कि कंटिन्यूएशन में जैसे भी आगे बढ़ते जा रहे हो और कैसे भी आगे बढ़ते जा रहे हो। इसके बाद क्या आता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर किसमें आते हैं 1, 2, 3, 4 है ना, पॉजिटिव वाले इंटीजर। ठीक है, और भी कुछ आता है इंटीजर नेचुरल नंबर के बीच में, होल नंबर, होल नंबर कैसे डिनोट होता है डब्लू से, उसमें क्या हो जाता है जीरो शामिल हो जाता है, कि नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो इंक्लूड कर देंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाते हैं होल नंबर। ये बात तुम सबको समझ में आ गई। अब देखो जैसे एक्सरसाइज है, वो है तुम्हारे पास सबके पास, ठीक है एक्सरसाइज निकालो, जैसे 1.1 एक्सरसाइज निकालो, निकाल ली 1.1 पहली वाली जो है। अब उसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन अ कलेक्शन एंड अ सेट। बता सकते हो कि कलेक्शन और सेट के बीच में क्या डिफरेंस है, कलेक्शन को क्या लिख दोगे ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स है ना, और विच कलेक्शन विच आर वेल डिफाइंड आर नोन एज सेट, और वो कह रहा है गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। तो मैंने तुम्हें एग्जांपल बताई थी, इससे तुम बता सकते हो। ठीक है, अब सेकंड वाले पर आ जाओ, सेकंड वाले क्वेश्चन में वो कह रहा है कि विच ऑफ द कलेक्शंस आर सेट्स, हमें जस्टिफाई योर आंसर। हमें कई सारे यहाँ पे पार्ट दे रखे हैं और हमें ये बताना है कि इसमें से कौन से क्या हैं सेट्स हैं और कौन से कलेक्शन। तो वही देखना है तुम्हें कि सबसे आसान तरीका क्या है, कि अगर सबका रिजल्ट उसका सेम आए तो वो क्या होगा सेट होगा, अदरवाइज क्या होगा कलेक्शन होगा। जैसे पहला तुमने लिया अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 50, क्या आएगा 1 से लेके 49 तक ही तो लिखेंगे सब। सेकंड, द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया, कलेक्शन गुड हॉकी प्लेयर की कोई डेफिनेशन तो है ही नहीं। द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास, सेट आ जाएगा, अगर हम क्लास की बात करेंगे तो सबका सेम ही तो आएगा। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, कलेक्शन है सबके लिए अलग अलग होते हैं। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स, द कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, सेट्स। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे, द कलेक्शन ऑफ ऑल पोजिशंस इन दिस चैप्टर, क्यों सेट्स आएगा ना, इस चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चन है उन सबको एक जगह लिख दो। तो कोई आर डी शर्मा अगर मैं किसी को भी दूंगा कि इसमें जितने भी क्वेश्चन है एक जगह लिख दूँ तो एक्सरसाइज ही तो कॉपी करेगा, तो क्या वो अलग अलग करोगे, अब सेम ही तो करोगे ना। अगला क्या है, अ कलेक्शन ऑफ मोर डेंजरस एलिमेंट्स इन द वर्ल्ड, द कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर्स, समझ में आ गया इतना। ठीक है, अब इसके बाद ये आता है कि जैसे मैंने तुम्हें ये बता दिया कि किसी भी सेट के अंदर अगर हम एलिमेंट्स को लिखेंगे तो वो किसके अंदर लिखेंगे, हम ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे, और एलिमेंट्स को हम, ये तुम्हें पता था, मुझे पता ही है ना, चाहो तो एक बार नोट कर लो, इसको नोट कर लो, फिर बार बार यूज होगा ना, तो तुम्हें अभी कर लेना चाहिए। अभी कर लेना, ठीक है। अब देखो जैसे हमने कोई एक सेट लेगा, ठीक 1, 2, 1, 3, 5 और हमने लिख दिया ए, ये लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए, कई बात गलत है या सही है, सही है। इसको मैथमेटिकल टर्म में ये लिखते हैं ऐसे, ए बिलोंग्स टू, ये वाला जो साइन होता है किसको डिनोट करता है, तो जब भी हम सेट में लिखेंगे तो ऐसे, अगर कोई एलिमेंट किसी पर्टिकुलर सेट में लाई कर रहा है तो एलिमेंट तो लेफ्ट साइड में आएगा और सेट जो आएगा वो राइट साइड में आएगा और ये बिलोंग्स टू का साइन बन जाएगा। इसी तरह मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 1 बिलोंग्स टू ए, सही है या गलत है, सही है। अब मैंने लिखा 10 बिलोंग्स टू ए, आगे बताऊँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि एलिमेंट 10 नॉट बिलोंग्स टू ए,
बात सही है या गलत है? नॉट बिलोंग्स लिख दिया तो सही हो गई। अब इसको डिनोट कैसे करेंगे? तो हम लिखेंगे टेन नॉट बिलोंग्स टू। जब ऐसे लाइन खेच देते हैं तो ये किसका साइन बन जाता है? अब मैं यहाँ पे अगर तुमसे मैं लिखूँ कि टू नॉट बिलोंग्स टू, सही है या गलत है? और मैंने लिखा फाइव नॉट बिलोंग्स टू ए, थर्ड वाले में ए सेट दे रखा है उसने। अब वो कह रहा है इनके बीच में सिंबल इंसर्ट करो बिलोंग्स टू का और नॉट बिलोंग्स टू का। तो पहला है फोर और ए बिलोंग्स टू का आ जाएगा, माइनस फोर और ए, ट्वेल्व और ए, नाइन और ए, जीरो और ए, माइनस टू और ए। हो गया क्लियर? अभी से नोट कर लो।